नमस्कार दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से राज पंडित, जो सबके पब्लिक की समस्याओं को सब तक पहुंचाता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला से तहसील सागन के ब्लॉक खुटहन के फतेहगढ़ ग्राम सभा के शिवजोर जो नए प्रधान हुए हैं उनसे आज हम बातचीत करेंगे। आरक्षण सीट थी, एससी सीट से लड़े थे जो कि अच्छे मतों से जीत के आए हैं। पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट किया है, पब्लिक के बलबूते पे उन्होंने जीत किया है। उनसे आज जानते हैं कि आप 5 साल में क्या करने वाले हैं पब्लिक के लिए, जिन्होंने आपको वोट दिया है। बात क्या है प्रधान प्रत्याशी बोलते हैं। आप गांव के एक प्रथम नागरिक हुए, प्रधान हुए, तो लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? हम गांव के लिए, नागरिक के लिए अपने, मैं ऐसा ऐतिहासिक काम करूँगा जो आने वाले समय में वो यहाँ की जनता देख कर आश्चर्यजनक माने। क्या करने वाले है काम आश्चर्यजनक? जो काम आज तक कोई नहीं किया है, मैं वह ऐतिहासिक काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या काम करने वाले हैं? बहुत से सारे काम, जैसे आवास है, पशुपालन है, बकरी पालन है, पेंशन है, खड़ंजा है, नाली है, चकरोट है, हैंडपाइपे हैं, सारी योजना जितना सरकारी योजना के अंतर्गत आता है उतना ही कार्य में ज्यादा से ज्यादा ही टारगेट में करने के लिए। इसके पहले कोई प्रधान ने नहीं किया क्या? नहीं, कोई नहीं कुछ किया। क्या किया? केवल अपना पेट पाला, अपना पेट भरा। मतलब ये सब काम करने वाले आने वाले 5 सालों में? हाँ। और लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं? और क्या बोलना चाहते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि जब इस तरीके से मैं काम करूँगा तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी में, भविष्य में, जनता हमको खुद लालयित करेगी कि इनके अलावा किसी को सिवा न किया जाए। और इस समय तो कोरोना का कहर है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोरोना एक महामारी है, जितना हो सके सरकारी योजना के अंतर्गत मुझे लाभ लाया गया। कोरोना की महामारी की योजना के अंतर्गत में वो लाभ योजना ज़्यादा से ज़्यादा दिलाया जाएगा, दिलवाया भी जाएगा। अच्छा, आप पूरे तड़जोड़ से लोगों की सेवा करने में सक्षम है? एकजुट है, एकजुट है। और जो अभी यहाँ ग्राम सभा में जो ग्राम सभा बन रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? ग्राम सभा पंचायत भवन जो बन रही है वो अभी कार्य अधूरा है, और कार्य अधूरा होने के बाद मैं उसको, जो ठेकेदार थे उनको मैंने कहा वो जल्दी से जल्दी कार्य योजना के बारे में उसको पूर्ति किया जाए, और उसमें जो हमारे राशन वगैरह जो हमारा से ठेकेदार बांटता है वह राशन जो है हमारे इस पंचायत भवन के अंदर में, पंचायत भवन के अंदर ही राशन बांटा जाए, और सारे ग्रामीण के लोग यहीं पर अंगूठा लगावें,